फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज सेकंड एफ चल रही थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या गिवन है आपको। राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसकी डोमेन, यानी कौन सा फंक्शन गिवन है, रियल फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो देखो उस रियल फंक्शन की डोमेन क्या आएगी। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन पुटअप करता हूं। यहाँ पे आपका जो फंक्शन फर्स्ट गिवन आपको, वो गिवन है कि रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेट करके मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, एफ ओ पैक्स। यानी ये जो एफ ओ पैक्स है वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि ये जो डोमेन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफाइन वैल्यू होनी चाहिए। और डिफाइन वैल्यू कौन सी होती है आपकी, रियल वैल्यू होती है, ध्यान रखना। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। अब डोमेन आएगी कौन सी, डोमेन किसे कहते हैं वो देखना ध्यान से। इस एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी। तो इस एक्स की वैल्यू जो पुट करोगे वो क्या होती है आपकी, डोमेन होती है। पुट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, रेंज कहलाएगी। आपको तो फाइंड आउट क्या करना था, डोमेन निकाल। यानी इस एक्स की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूं, उसी को क्या कहेंगे अपन, डोमेन कहेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको काम आएगा, ध्यान रखना। देखो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये ले लूं कि यदि कोई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऐसे 4 दे दिया, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 गिवन है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। आई बात समझ में। अब देखो ये जो फंक्शन एक्स की वैल्यू यहां पे पॉसिबल है क्या, क्योंकि यहां पे दो केस मिल रहे हैं आपको कि एक्स की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल या माइनस 2 के माइनस 2 से छोटी वैल्यू, और दूसरा केस क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू प्लस 2 के इक्वल और प्लस 2 से छोटी। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अपन क्या करेंगे कि इस पूरे का अपन क्या कर देते हैं, मॉडुलस कर देते हैं। तो इसका मॉडुलस करेंगे तो लेस देन, और इसका मॉडुलस कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 का मॉडुलस कितना आएगा, 2 आएगा। तो अपन ये वाली स्टेप डायरेक्ट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 गिवन है, तब ये वाली वैल्यू को अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहां पे बता दे, आप इसको गौर करना इस चीज पे, ठीक है। फिर दूसरी चीज देखो, मैं ये बोलूं कि log बेस ई एक्स इक्वल टू वाई गिवन है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आप लॉगरिथम के अंदर ये पढ़ गए हो कि log बेस ए एक्स इक्वल टू, या फिर बी ले लेता हूं मैं, b इक्वल टू सी आपको गिवन है। तो इस b की वैल्यू क्या होगी, इस b की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आके बेस बन जाएगा और पावर कौन बन जाएगा इसका, c बन जाएगा। और इसमें अपन कंडीशन जानते हैं, इसकी कंडीशन को भी माइंड में रखना, देखना ध्यान से। इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड इसी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 भी होनी चाहिए, और इस b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी b की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन यहां पे होनी चाहिए। तो लॉगरिथम फंक्शन में अपन डोमेन फाइंड आउट करेंगे, तो ये कंडीशन आपको माइंड में रखनी, मैं लिखवा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब यहां से यदि मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूं, ध्यान से देखना, यहां से यदि मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि मैं यहां से इस e को ऐसे लेके जाऊं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर y बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 9th क्लास में आप डिस्कस करके आओ, या फिर मैं ऐसे ना करूं, इसको ऐसे करूं कि दोनों तरफ मैं पावर ले लूं, यानी इन दोनों का मैं बेस ले लूं, बेस e ले लूं, तो इस पे क्या लग जाएगी, ये पावर e की पावर log e x इक्वल टू, इस पे भी बेस ले लूं, तो बेस लगाएंगे तो e की पावर y बन जाएगा। अब लॉगरिथम के अंदर अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये e और ये e, यहां पे ये जो बेस और इस लॉग का बेस सेम हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 की पावर 1, यानी ये रिमूव हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना आप, ये रिमूव होगा तो x की कितनी वैल्यू आएगी, e की पावर
वाई आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू वन होगी और ये इसकी क्या है, देखो ये मल्टीप्लाई में है, इस लॉग और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो वन हो जाएगा, तो वन इंटू एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये आपको माइंड में रखना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर जो भी कंसेप्ट आएगा वो अपन यूज कर लेंगे। तो देखो इनको आप नोट आउट जरूर करना। करते हैं क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस x की पॉसिबल वैल्यू कब, यानी इस x की पॉसिबल वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि आपका ये फंक्शन रियल फंक्शन बन जाए, क्योंकि इस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए, और नेगेटिव आ गई रूट के अंदर, नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है, और इमेजिनरी वैल्यू के अंदर कोई भी फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। तो अपन जानते हैं कि इस पूरे की वैल्यू, देखना ध्यान से देखना बस, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी इस पूरे की वैल्यू या तो 0 से बड़ा आना चाहिए या फिर 0 के बराबर आना चाहिए, तभी ये फंक्शन आपका क्या होगा, रियल होगा, ध्यान रखना। अब यहां से अपन ये इक्वलिटी बन गई, 10th क्लास के अंदर पूरा इक्वलिटी का चैप्टर पढ़ गए हैं, तो अब ये इक्वलिटी बन गई, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले गया हूं, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 लिख सकता हूं, अब ये बन गया वापिस, तो यहां से मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकता हूं, इसको ध्यान में रखना। अब यहां से अपन जानते हैं कि इस x की वैल्यू 2 है, कि प्लस माइनस x लेस देन 3, ये 2 वैल्यू। अब यदि मैं पॉजिटिव साइन लूं तो x की वैल्यू लेस देन 3 है, और यदि मैं नेगेटिव साइन लूं तो माइनस x की वैल्यू लेस देन 3 है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखना ध्यान से, यदि किसी इनइक्वलिटी को, या फिर मैं कह सकता हूं इनइक्वलिटी को, इन इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका साइन चेंज, ये 10th क्लास में बताया भाई मेरा, तो देखो कैसे कर, जैसे माइनस 10 कैसे ले लो, 10 बड़ा छोट ऐसे कर लो कि 5 10 से छोटा है, यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस 5 और ये आपका माइनस 10, अब बड़ा कौन है आपका, ये 5 माइनस का 5 बड़ा होगा। तो अपन किसी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वलिटी का जो साइन है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इन दोनों इनइक्वलिटी को मैं कंबाइन करके लिखूं तो x की वैल्यू देखो बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, माइनस 3 से बड़ी होगी, और छोटी होगी किसके, यानी छोटी भी होगी और इक्वल होगी प्लस 3 के, ये आपकी x की वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी। इसी को मैं इंटरवल के अंदर लिखना चाहूं तो x बिलोंग्स टू माइनस 3, 3। अब ये इंटरवल के अंदर आप पढ़ लेना, इंटरवल आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, सेट के अंदर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि इक्वल वाला साइन है, ये माइनस 3 खुद एग्जिस्ट करेगा और प्लस 3 भी खुद एग्जिस्ट करेगा, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी आपकी, जो डोमेन होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस 3 से लेके प्लस 3 तक, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, और ये दोनों वैल्यू खुद भी होगी, ये आपकी इसकी डोमेन आ जाएगी। इतना आपको करना है, ये आप समझ जाना मैंने कैसे किया है, इनइक्वलिटी का रूल है ये सारा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड है रूट 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये वापिस रूट के अंदर आ गई। अपन जानते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है वो 0 के या तो बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, क्यों, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो लेट करके सबसे पहले तो इसको क्या मानूं मैं, एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं, ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स तो मान लिया। अब देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये रियल होनी चाहिए, रियल कब होगी, जब इस पूरे की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के इक्वल। अब पूरी इन इक्वेशन को या पूरी इन इक्वेशन को
मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस का 2x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस का 1, और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी छोटी वैल्यू आ गई 0 से छोटी। ठीक है ना, जानते हैं पर किसी इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उस इनइक्वालिटी का जो साइन है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, इधर मुंह खुला हुआ तो इधर खुल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं कंप्लीटिंग मेथड से। आप कह सकते हो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, एक ही बात है, आप समझ जाना इसको। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करो 3 से, 2/3x माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 3 से डिवाइड कर दो, 0 ही आएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि एक्स के कोफिशिएंट को उठाइए, एक्स का कोफिशिएंट ये है ना, तो 2/3 इसका हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो वैल्यू कितनी, ये इससे कैंसिल आउट 1/3, और इसी का स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, एक बार ऐड करना है और एक बार इधर ही कर दो, एक बार ऐड करना है एक बार माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 और माइनस 1/3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप पढ़ के आए हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, तो एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस इसको 1/3 और ये 1/9 लिख दू इसको, ये लो मिटा के मैं 9 लिख देता हूं, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 9 तो आपका एलसीएम आ गया और इधर आपका 3 माइनस 1 ये प्लस आ जाएगी, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस को कॉमन निकाल के लिखा है मैंने, एक्स माइनस एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4/9 लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो लेस देन इक्वल टू 4/9। अब वही कंसेप्ट है, कौन सा, जो मैंने अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, आपकी 2 की इक्वल आएगी। तो यहां से मैं इस इनइक्वालिटी के स्क्वायर को हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि एक्स प्लस 1/3 का तो मॉडुलस, इसका तो मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2/3, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब मॉडुलस में अपन जानते हैं कि दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो एक्स प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू 2/3, यदि मैं पॉजिटिव साइन लू तो एक्स प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू 2/3 ये लिख सकता हूं। इस 1/3 को ऐसे कर लो आप थोड़ा सा यहां से, ठीक है ना, थोड़ा पास से लिखता हूं कि एक्स प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू 2/3, या फिर लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू 2/3। यहां से तो मैं डायरेक्ट लेके आ जाता हूं कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3, और इसी को लिख सकता हूं एक्स लेस देन इक्वल टू, देखो इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1/3, यानी एक्स की वैल्यू 1/3 की इक्वल और 1/3 से छोटी आएगी। और यहां से भी लिखना चाहूं तो देखो ध्यान से, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये तो प्लस 1/3 और ये आपका साइन चेंज होके ये आ जाएगा 2/3 लिख सकता हूं। इस 1/3 को मैं इधर भेज दूं तो एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब इसको सोल्व करें तो वैल्यू देखो कितनी आई, माइनस थ्री अपॉन में थ्री कैंसिल आउट करोगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये दोनों इनइक्विटी क्या कर रही है,
इनको कंबाइन करके लिखना है आपको। तो देखो x, इस x की वैल्यू बड़ी और इक्वल है, किससे बड़ी है, माइनस वन के तो बराबर है और माइनस वन से बड़ी है। फिर बोल रहा है कि ये छोटी है, किससे छोटी है, वन बाई थ्री से छोटी है और वन बाई थ्री के इक्वल। ये तो इनइक्वलिटी हो गई। अब इसको इंटरवल में चेंज करूं तो इंटरवल में ऐसे तो लिखेंगे कि माइनस वन कोमा प्लस वन बाई थ्री के बीच में वैल्यू और खुद भी। तो इसकी जो डोमेन होगी, यहां पे लिख देता हूं इसको, इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन क्या होगी, माइनस वन कोमा वन बाई थ्री होगी। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा डोमेन के बारे में कि किसी फंक्शन की डोमेन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी अपन रेंज फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आपका है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है ना, एट पार्ट टोटल अभी तक थर्ड में पहुंचे। पर जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को एफ एक्स करके क्या मान लो, टेन की पावर एक्स मान लो। अब देखो ये रियल फंक्शन आना चाहिए, ये रियल सब वैल्यू के लिए, ये क्या इस एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि इस एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे कि ये रियल बन जाए। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ये फंक्शन क्या होगा, रियल ही होगा। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ये रियल नंबर क्या आपका, यानी आर क्या है, रियल नंबर लिख देता हूं ये लो। तो ये x इस रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो भी क्या होगी, r ही तो होगी ना। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसको तरफ कर देता हूं मैं इतना, और इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए देखो इसके मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, तो फोर्थ पार्ट के अंदर रिलेट करके एफ ओ एक्स इक्वल टू वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, ये वन। अब देखना ध्यान से देखना कि ये जो पूरा फंक्शन रियल आना चाहिए, ये रियल कब आएगा, जब इस पूरे की वैल्यू, ध्यान से देखना, इस पूरे की वैल्यू रूट की वैल्यू रियल कब आएगी, जब ये पूरा वैल्यू आपका किसमें बिलोंग कर जाए, जीरो से, यानी रियल वैल्यू आ जाए। लेकिन इस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं कि इस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं, उस कंडीशन में रियल होगा। बट मैं इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, देखना ध्यान से, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन को मैं जीरो के इक्वल पुट करूं, तो जीरो का रूट कितना, जीरो। तो वन अपॉन जीरो कितना, यानी वन अपॉन जो जीरो होगा वो अनडिफाइंड वैल्यू देगा आपको इन्फिनिटी। तो ये तो जीरो पे डिफाइन ही नहीं है, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो की इक्वल कभी भी नहीं आनी चाहिए, तभी ये फंक्शन आपका क्या होगा, रियल होगा। अब इस एक्स की वैल्यू क्या होती, देखना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ओनली इक्वल टू क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पूरे का जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेवन। तो मोड ऑफ एक्स, वही रूल आपका, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट सेवन, प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन रूट सेवन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां से यदि पॉजिटिव साइन लू तो एक्स की वैल्यू रूट सेवन से बड़ी, या फिर लिख सकता हूं मैं एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स की वैल्यू रूट सेवन से बड़ी। तो ये तो सेम आ जाएगा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इस पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो प्लस, और इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दो और ये माइनस रूट सेवन। ये क्या कर रहा है आपको कि एक्स की वैल्यू, इसको देखो समझना इसको, कि एक्स की वैल्यू माइनस रूट से बड़ी छोटी, तो माइनस रूट से छोटी, और ये कह रहा आपको एक्स की वैल्यू इससे बड़ी, ठीक है, सही तो है आपका, ठीक है। इसका देखते करता हूं मैं एक बार डोमेन क्या है, सही तो कर रहा हूं ना। देखो
देखो ये तो क्या बोल रहा है आपको कि x की वैल्यू माइनस रूट से छोटी, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू रूट सेवन से छोटी माइनस का, और ये x की वैल्यू रूट सेवन से बड़ी। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसका तो पॉसिबल केस, इसके अकॉर्डिंग तो क्या बनाऊं कि x किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, देखो इक्वल टू नहीं है, तो मैं रूट सेवन लूंगा, और रूट सेवन के साथ में कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, कहां से इससे बड़ी कितनी वैल्यू, इन्फिनाइट तक ले जाओ, ये लो इन्फिनाइट तक। और ये क्या कह रहा है आपको कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस सेवन के बीच में, ठीक बोल रहा है ना, कि इससे छोटी। तो इस रूट माइनस रूट सेवन से छोटी कौन सी वैल्यू है, इससे जो बढ़ती है, इससे छोटी कब होती है, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो x किसमें बिलोंग करेगा आपका, x बिलोंग करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट सेवन के बीच में, यूनियन कंबाइन करके लिखे तो यूनियन पढ़ के आए अपन, ठीक है, इंटरवल के अंदर, और ये रूट सेवन कोमा इन्फिनिटी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आप समझ जाना। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि x की वैल्यू रूट सेवन से बड़ी, तो रूट सेवन खुद नहीं है, रूट सेवन और रूट सेवन से बड़ी, ठीक है, रूट सेवन से बड़ी कौन सी, रूट एट, रूट नाइन, ये कहां तक, इन्फिनिटी तक। और ये माइनस रूट सेवन से छोटी कौन सी, माइनस रूट सेवन से छोटी ये पूरी वैल्यू, ठीक है, इनके बीच। तो इनको कंबाइन करके और ये क्या हो जाएगा आपका, इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। ये लीजिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ को यहां पे कर लेता हूं। जो भी गिवन है उसको लेट करके एफ ऑफ एक्स बना दीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग टू माइनस थ्री एक्स, लॉग टू माइनस थ्री एक्स, टू माइनस थ्री एक्स, ये लीजिए। अब याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि लॉग बेस ए बी ये दिया हुआ आपको, तो यहां पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ये वैल्यू तो है आपकी बी, ये तो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो टू ग्रेटर देन जीरो, ओनली ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं, ये थ्री एक्स इधर आएगा तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। अब थ्री से डिवाइड कर दो, तो टू को थ्री से डिवाइड करूंगा, टू बाई थ्री, और ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स लेस देन टू बाई थ्री, ये आप लिख सकते हो। ये आपको क्या करना चाह रहा है कि x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री से छोटी, माइनस टू बाई थ्री से छोटी कौन सी वैल्यू, जैसे छोटी जाओगे जीरो आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके टू बाई थ्री, इस पूरे के बीच में ये फंक्शन आपका रियल वैल्यू देगा। तो इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन होगी वो डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 बाई थ्री के बीच में, ये फंक्शन आपका इसमें डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ रहे होंगे, समझना है बहुत पेशेंस के साथ, समझना है और फील करके समझना है, तभी ये समझ में आएंगे, थोड़ा सा फीलिंग लेना है आपको, ठीक है। तो अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ के बारे में, यानी सिक्स्थ पार्ट आपका, सिक्स क्वेश्चन का सिक्स पार्ट। चलिए देखो लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं, और ये वैल्यू हो गई लॉग रूट एक्स माइनस फोर प्लस रूट 6x माइनस ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो देखना ध्यान से, एफ ऑफ एक्स रियल कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो, बड़ी हो, यानी रूट एक्स माइनस फोर की वैल्यू प्लस रूट 6 माइनस एक्स इस पूरे की वैल्यू क्या हो, आपका ग्रेटर देन जीरो हो, तब आपका एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अब ये भी कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
या तो इस पूरे की वैल्यू x माइनस फोर प्लस 6 माइनस एक्स इस पूरे की वैल्यू ऐसे लो, अलग अलग ले लो, ठीक है ना। क्या लिख दूं कि x माइनस फोर इस पूरे की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी या फिर जीरो के इक्वल, क्योंकि जीरो आ जाएगा। या इसको कह सकता हूं मैं 6 माइनस एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर और जीरो के इक्वल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि रूट के अंदर इस केस में आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होगा। यहां से देखो वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर देन फोर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, और यहां से क्या है सिक्स, ये एक्स को उधर लेके जाऊं तो सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, लिख सकता हूं ना। ये क्या कर रहा है कि एक्स की वैल्यू सिक्स के इक्वल और सिक्स से छोटी ही तो कह रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तो अब देखो इसको इनइक्विटी में चेंज करो, इसको कंबाइन करके लिखो तो एक्स की वैल्यू सिक्स से यानी फोर से बड़ी और फोर के इक्वल और सिक्स की इक्वल और सिक्स से छोटी, ये तो है। तो इसको इंटरवल में लिखना चाहूं तो ये लीजिए इंटरवल 4, 6, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन हो जाएगी आपकी माइनस फोर खुद और फोर से लेके सिक्स तक, ये वैल्यू आपकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपना करते हैं, डिस्कस करते हैं आपका, ठीक है। ये फिफ्थ था ना, ये सिक्स था आपका, ये सिक्स। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सेवन पे। सेवन को भी ध्यान से देखना है। लेट करके एफ ओ पैक्स मान लीजिए, अगले ने ये बोला है कि 1/2 पावर लगी हुई लॉग के ऊपर, कि लॉग बेस 10 5 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस पूरे पे पावर कितनी है 1/2। 1/2 पावर किसको रिप्रेजेंट करती है, 1/2 पावर किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी, वन बाई टू पावर रिप्रेजेंट करती है रूट को, और रूट के अंदर ये वाली वैल्यू ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल हो ही सकती है, ठीक है ना। तो इसको मैं ये फंक्शन रियल वैल्यू कब देगा, जब ये रियल हो, और ये रियल कब होगा, जब लॉग बेस 10 5 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इस पूरे की वैल्यू या तो जीरो के इक्वल होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि लॉगरिथम के अंदर आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बता के आऊं कि ये इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज, और ये जो पावर है ये इसका बेस बन जाएगा इस जीरो का, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, लिख के बताया था अभी मैं आपको स्टार्ट किया था, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। या फिर आप ना इन दोनों तरफ क्या ले लो, बेस 10 ले लो, तो इसका भी 10 में ले लो, इसका भी मैं 10 ले लो, तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी और ये आ जाएगी बच जाएगी, और ये 10 की पावर क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, अपन जानते हैं कि 10 की पावर 0 कितना 1, ठीक है। 10 की पावर 0 कितना 1, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 आ जाएगा ना। पूरी इन इक्वेशन को माइनस मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5x और ये लेस देन इक्वल टू माइनस का 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि मैं फैक्टराइज करूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपकी जो वैल्यू क्या आएगी वो देखो, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आप फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहां पे कर देता हूं इसको, अपन को ज्यादा नहीं करना पड़े, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो x को कॉमन निकाल दो, x माइनस 4 माइनस 1 को कॉमन निकाल दो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 को कॉमन निकालो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, दो फैक्टर x माइनस 1, दूसरी वैल्यू x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका क्या कर रहा है कि इन दोनों फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, कि आपका इस पूरे फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाए,
तो क्या होगी, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो कब आएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो कब आएगी, जब ये पूरा फंक्शन नेगेटिव आ जाए। तो इंटरवल को बनाता हूं मैं सबसे पहले, इंटरवल बनाऊ मैं, तो इंटरवल देखो, ये तो आपकी वैल्यू हो गई वन, ये वैल्यू हो गई फोर, क्यों, इस एक्स की पॉसिबल वैल्यू तो वन एंड फोर ही तो आएगी, जीरो की इक्वल पुट कराएंगे, तो आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, ये माइनस इंफिनिटी वाला केस हो गया, ये इंफिनिटी केस आ गया। अब तीन इंटरवल बने, एक तो ये वाला इंटरवल, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल, इनमें से चेक करना है कि कौन से इंटरवल के अंदर इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव आएगी तभी तो लेस देन होगा ना, पॉजिटिव आएगी तब तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो नेगेटिव चेक करना है कि कौन से केस में ये नेगेटिव फंक्शन या नेगेटिव वैल्यू देगा। देखो इसमें चेक करें तो माइनस इंफिनिटी से लेके वन के बीच में एक ऐसी वैल्यू उठाओ, कोई वैल्यू उठा लो कि उसका साइन क्या आएगा, जीरो उठाओ, मैं जीरो पुट करूं यहाँ पे, जीरो माइनस वन कितना माइनस वन, यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो माइनस वन कितना माइनस फोर, माइनस वन यहां से है, माइनस फोर यहां से है, माइनस वन का मल्टीप्लाई में माइनस फोर से करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, यदि वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये जीरो से बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता, तो इस इंटरवल में तो जीरो से पॉजिटिव, इसमें आप वन से लेके फोर के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, टू पुट कर लो, तो टू माइनस वन कितना पॉजिटिव वन, टू माइनस फोर कितना नेगेटिव टू, पॉजिटिव वन का नेगेटिव टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, माइनस टू जीरो से छोटा होता है, तो इस केस के अंदर इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और इसमें आप पुट करके देख लेना पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी लेस देन जीरो कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो आपका जो एक्स बिलोंग कर गया, या फिर लिख सकते हो आप एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी और इक्वल, और ये आपका फोर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x belongs to 1,4, इसकी जो डोमेन होगी x की, जो डोमेन होगी x की वो क्या हो जाएगी 1,4 हो जाएगी, ठीक है ना, आपके 12th में काम आएगा कि एक नंबर लाइन के ऊपर किन्हीं वैल्यू को अपन पुट करके, जो पॉसिबल वैल्यू को पुट करके किसी फंक्शन का इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 12th में काम आएगा, तो ये भी देख लेना, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट, ठीक है ना, आंसर तो आ रहा होगा, चेक कर लेता हूं मैं फिर भी, देखो ठीक है आ रहा, इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया, आप कैसे भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो, लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, 6 का लास्ट, 7 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा वरना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी रेंज फाइंड आउट करना है, ऐसे ही करना है सारा उसमें भी, तो मैं 6 की बात करूं, इसके 8 की बात करूं, तो 8 के अंदर जो लेट करके एक फंक्शन दिया उसी को फंक्शन मान लीजिए, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स लॉग 2 एक्स बाई 2, ये आपके फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। अब देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, आपकी चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री की, के अंदर जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स की जो डोमेन होगी, यानी ये जो एक्स बिलोंग करेगा वो किस में करेगा, आर में करेगा, तो ये तो डोमेन हो गई इसकी, और इसकी मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज आप कुछ वैल्यू पुट कर दो, आपकी वैल्यू माइनस वन के इक्वल या इससे बड़ी होगी, और प्लस वन के इक्वल या प्लस वन से छोटी होगी, इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में ये वेरी करता रहेगा। लेकिन मैं बात करूं कि इसमें यदि साइन इनवर्स एक्स को ले लूं, तो ये एक्स कितना पुट कर सकते हैं, ये एक्स अपन पुट करेंगे, एक्स बिलोंग करेगा आपका माइनस वन से लेके वन के बीच में, एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस वन से लेके वन के बीच में, और इसकी जो डोमेन आपकी जो रेंज आएगी, ये डोमेन होगी इसकी इनवर्स के अंदर, ये डोमेन हो जाएगी, और ये रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, ये आप 12 के अंदर इनवर्स फंक्शन जब पढ़ोगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि ये जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू माइनस वन है और लेस देन इक्वल टू वन है, ऐसे तो लिख सकता हूं ना। अब देखो इस एक्स की वैल्यू ये पूरी तो है, तो मैं इस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं कि ये जो पूरी वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट करती है, तो क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिखूं क्योंकि वो काम आएगा अपना, माइनस वन लेस देन इक्वल टू लॉग बेस टू एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू वन,
अब मुझे यहां से इस x को निकालना है, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे वही तो डोमेन होगी ना, इस x को निकालना है मुझे, तो दोनों तरफ क्या ले लू मैं बेस, 2 ले लू, क्योंकि 2 लेते ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो बेस ले लो 2, तो 2 की पावर 1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर लॉग बेस 2 x बाय 2 लेस देन, ये यहां पे लेस देन इक्वल टू 1 और 2 की पावर 1, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब जानते हैं कि इस पूरे की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1 हो गई, और 2 की पावर 1 को मैं 1 बाय 2 लिख सकता हूं, है ना, पॉजिटिव बना दिया, लेस देन इक्वल टू x बाय 2 लेस देन इक्वल टू 2, पूरी इन इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन 2 कितना 1, लेस देन इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन 2 कितना ये कैंसिल आउट होगा, x लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो ये 4 आ जाएगा, ये आपकी इन इक्वेशन बनी, x सिंगल आया है, इस x की वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, x बिलोंग्स टू 1, 4, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, डोमेन जो होगी वो क्या होगी, 1 से लेके 1 खुद भी है और 4 खुद भी है, इन दोनों के बीच में जो सारी वैल्यू है वो इस x की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, इस डोमेन पे ये जो फंक्शन होगा वो रियल नंबर वैल्यू आपको देगा, ठीक है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ गए होंगे, क्योंकि ये समझो कि तभी आपको 7th क्वेश्चन समझ में आएंगे, और 7th क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।